नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूं बोकारो का जगन्नाथ मंदिर, जो कि आपको बोकारो जू के ठीक सामने है। बोकारो रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, आप जब भी बोकारो आएंगे तो बोकारो रेलवे स्टेशन से आप अगर जगन्नाथ मंदिर बताएँगे या जू बताएँगे तो आपको यहीं पर सीधा उतार दिया जाएगा। तो यहाँ पे घूमने वाली जगह है दोस्तों, दोनों अगल बगल हैं, जू बगल में है और जगन्नाथ मंदिर उसके बगल में है, दोनों ही घूमने वाली जगह है। तो आपको मैंने जू का दिखाया था दोस्तों, अब ये देखिए आप जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर आप जब भी आएंगे यहाँ आपको घूमकर बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति महसूस होगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है। तो आप जब भी बोकारो आएँ दोस्तों तो एक बार जगन्नाथ मंदिर घूमने ज़रूर आएँ। तो चलिए आपको मैं थोड़ा बहुत झलक दिखाता हूँ, तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है पार्किंग में, और यहीं पे देखिए कबूतरों का दाना डाला गया है, कितने कबूतर हैं, बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने जूता को अपना यहीं खोल दिया, क्योंकि बिना जूता के ही जाना पड़ता है, और जूता पॉइंट बना हुआ है दोस्तों, लेकिन मैंने अपने गाड़ी में ही जूता को पैक कर दिया। ये है मेन गेट, मेन गेट का नज़ारा देख लिया आप, और ये है मेन मंदिर। यहाँ आप जूता जमा कर सकते हैं अपना। जय बाबा जगन्नाथ। दोस्तों गेट से एंट्री करना है पहले, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये बोकारो का सबसे सुंदर मंदिर जगन्नाथ मंदिर, देखिए ये फ्रंट से। तो दोस्तों ये देखिए मेन मंदिर का फ्रंट, हाँ दोस्तों प्रसाद मिलता है, और ये है बाबा जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। जय बाबा। ये है बाबा जगन्नाथ, यहाँ आपकी हर मनोकामना पूरी होगी सच्चे मन से, जो भी आप श्रद्धा करेंगे आपकी पूरी होगी। और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर, बहुत ही साफ सुथरा। यहाँ की घटा देखने लायक है दोस्तों, और यहाँ आप जब भी आएंगे आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि इतना साफ सुथरा मंदिर भगवान जगन्नाथ का, जो कि बोकारो में आपको देखने को मिलेगा। भगवान के दर्शन कीजिए। मेन मंदिर से निकलने के बाद दोस्तों इसके अंदर और भी मंदिरें हैं, उसको दिखाता हूँ आपको। जय माता रानी। दोस्तों यहाँ शनि राहु केतु सभी लोगों की यहाँ मूर्तियाँ हैं।
यहाँ से चलने के बाद दोस्तों इधर आपको शौचालय की व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी और पानी वानी पीने के लिए दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें हैं, हर मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगा। दोस्तों देखिए दोस्तों कितना सुंदर सुंदर मंदिर बना हुआ है। ओम सूर्यदेव मंदिर, श्री सूर्यदेव मंदिर कितना सुंदर है। अश्व बने हुए हैं जो सूर्य भगवान के प्रतीक हैं, घोड़े। ये देखिए मंदिर, ये सूर्यदेव भगवान का मंदिर है। आपको दर्शन कराता हूँ सूर्यदेव भगवान के भी। ये देखिए सूर्यदेव भगवान, दोस्तों सुबह सुबह का समय है, थोड़ा भीड़ कम है, वरना यहाँ बहुत भीड़ लगती है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आप बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं, ये छोटा सा पार्क है जहाँ बच्चे वगैरह खेलते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। ये मेन मंदिर जिसके अंदर शुरू में गए थे, देखिए ऊपर काम चल रहा है कुछ। इधर दोस्तों माँ तुलसी, ये दोस्तों हनुमान मंदिर, और उसी के बगल में गणेश मंदिर, भगवान गणेश की मूर्ति है यहाँ। ये देखो दोस्तों मेन मंदिर, तो दोस्तों हम यहाँ आए और यहाँ का तालाब ना देखें तो फिर मज़ा नहीं है दोस्तों, जो कि श्री जगन्नाथ सरोवर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में यहाँ कुछ डिटेल है जो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों सीढ़ियाँ उतरनी हैं, तो बस दोस्तों पहुंचने ही वाले हैं हम जगन्नाथ सरोवर के पास। ये दोस्तों रहा जगन्नाथ सरोवर, यहाँ से मंदिर सामने ही है और ये आपको सामने मेन गेट दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यहाँ का कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपने देखा जगन्नाथ मानसरोवर, जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों हमें घूमने में बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ का मंदिर बहुत ही सुंदर है और शांत है, आपको आकर के यहाँ मन खुश हो जाएगा। आप भी अगर बोकारो घूमने आए तो घूमने वाली जगह है, यहाँ ज़रूर आएँ। एक तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, दूसरा आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो आपने देख ही लिया, फिर भी एक बार नज़ारा आपको मैंने आपको मंदिर के पूरे दर्शन कराया। अब दोस्तों हम वापस अपने घर को जा रहे हैं, अब सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। देखिए सामने थोड़ा बहुत मंदिर का आपको नज़ारा दिखते जाएगा। तो दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।